दोस्तों, जीवन में सुख एवं समृद्धि भरा माहौल बना रहे इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम और उपाय बताए गए हैं। इनका नियमित रूप से पालन करने से शारीरिक और आर्थिक परेशानियां हमसे दूर रहती है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र के नियम और उपायों को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और कारगर माना जाता है। मान्यता है कि रविवार के दिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ उपाय अपनाकर सूर्य देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। कहते हैं कि रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन जल चढ़ाने और पाठ करने से सूर्य देव की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और सभी काम बनने लगते हैं। हालांकि रविवार के अलावा प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाना भी शुभ होता है। प्रतिदिन आपको सुबह के समय तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर प्रसन्न मन से भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। रविवार के दिन कुछ अन्य उपाय भी हैं जिन्हें अपनाकर जीवन की कई कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रविवार के दिन नहाते समय पानी में लाल फूल डालकर स्नान करें। इस पानी में लाल चंदन, इलायची, मुलेठी या केसर मिलाकर स्नान करते हैं तो सूर्य देव की आप पर विशेष कृपा हो सकती है। जीवन के दुखों का अंत होगा और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि रविवार के दिन लोहे अथवा अन्य धातुओं के समान का लेन देन शुभ नहीं माना जाता। खास तौर पर इस दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए और न ही बेचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं। इस दिन शाम में दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। इसके लिए सूर्यास्त के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा श्रद्धालुओं पर बनी रहती है। जो लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें ये उपाय जरूर अपनाने चाहिए। रविवार की रात को एक गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर उस दूध को बबूल के पेड़ में डालें। इस टोटके से सात से ग्यारह रविवार तक ऐसा करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये उपाय आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।